भोपाल से 120 किलोमीटर दूर काला पीपल में जबड़ी स्टेशन के पास मंगलवार सुबह भोपाल उज्जैन पैसेंजर के ट्रेन कोच में ब्लास्ट हुआ। धमाके के चलते 12 लोग जख्मी हो गए। धमाके से कोच में बड़ा छेद हो गया है। ये ब्लास्ट ट्रेन के जनरल कोच में हुआ। हाल की रेल दुर्घटनाओं में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी इस ब्लास्ट को गंभीरता से ले रही है। घटना की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से इंडिया फर्स्ट ने ब्लास्ट को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। साजापुर के काला पीपल रेलवे ट्रैक पर एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें पाउडर मिलने की बात सामने आई। उस पर बात करेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, ये जो ब्लास्ट हुआ है ट्रेन, क्या मामला? देखिए, ब्लास्ट हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। DGP को मौके पर भेजा गया है। घटना गंभीर है, 9 लोग घायल हैं, 2 लोग गंभीर हैं। घायलों को हमीदिया में रेफर किया गया, शिफ्ट किया गया है और सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। तो सर, किसी तरह से आतंकी घटना होने की कोई बात सामने आई? अभी इससे इंकार नहीं किया जा सकता जी। तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता और लगातार निगरानी रखी जा रही है। घायलों का इलाज हमीदिया अस्पताल में कराया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।